फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे, क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे है और मेरी तरफ से आपको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। भले ही हम लोग एक दूसरे से दूर है, लेकिन हमारा जो रिलेशन है किसी फ्रेंड से कम नहीं है, क्योंकि आप लोग अपनी दिल की फीलिंग मेरे साथ शेयर करते हो और मैं उनसे निकलने का आपको समाधान बताती हूँ। तो इसलिए कहते आमने सामने से कुछ नहीं होता, एक रिश्ता सा बन जाता है। भले ही आप मेरे व्यूअर हो, मैं आपको अपने फ्रेंड की तरह समझती हूँ, फैमिली की तरह समझती हूँ। तो गाइस, ये आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन, यानी कि सीक्रेट फीलिंग, छुपी हुई भावनाएं। देखेंगे कि उनके दिल में क्या चल रहा है। ये रीडिंग जो है ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे देख लो, जितनी रेजोनेट करे रख लो, अदरवाइज छोड़ो, क्योंकि कोई ना कोई क्लैरिटी इस रीडिंग में जरूर मिलेगी। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। सावन का महीना है, भोलेनाथ का नाम लिखे शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड कौन सा आता है? एट ऑफ कप्स। वाओ, किन ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। लीजिए एट ऑफ पेंटिकल्स, दोनों कार्ड एक साथ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द हायरोफेंट, टेन ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ कप्स, देखिए गाइस, जैसा रीडिंग का टॉपिक होता है कार्ड खुद ब खुद ऐसे निकलते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स बॉटम में आया फोर ऑफ सोर्ड्स। गाइस, रीडिंग शुरू करने से मैं पहले आपको बता देती हूँ, ये रीडिंग जर्नल होती है। किसी के साथ कुछ रेजोनेट होता है, किसी के साथ कुछ रेजोनेट। कई बार आप लोग कहते हो कि मैडम कार्ड सामने शफल करा करो, जितना हो पाता है मैं कर देती हूँ। मेरे दिल में कोई ऐसी नहीं है, आप जानते हो मैंने पूरा टैरो का राइडर का डेक पिछली जो स्टार्टिंग की वीडियो थी सारी उस पर डाली हुई है। तो आपको मेरे साथ साथ इन कार्ड्स पे भी भरोसा करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक विश्वास से रिश्ते टिकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मेरी फैमिली बन चुके हो या फ्रेंड की तरह हो, भले ही दूर ही दूर हो, तो इतना डाउट अच्छा नहीं। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि मैंने बोला है कि ट्रू इंटेंशन, आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन देखेंगे। ये जो फर्स्ट कार्ड आया है और बॉटम आया है, तो इससे ये पता चलता है कि आप लोगों को, आपके पर्सन ने, कुछ लोगों को उनके पर्सन ने बहुत बुरी तरह चीट किया है, धोखा दिया है। ये टेन ऑफ सोर्ड्स कार्ड बताता है कि आपका दिल बहुत बुरी तरह उन्होंने तोड़ा है, बहुत परेशान करा है। आपका दिल इतनी बुरी तरह से दिखाया है कि आप कहने करने सुनने लायक नहीं हो।
क्योंकि सामने से मीठे बने रहे हैं और धीरे धीरे आपको एक्सक्यूजेस दिए हैं, ऐसे हो गया, ये हो गया, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकती, फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंस प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ बहाने बना के इस बंदे ने या बंदी ने आपको बहुत पागल बनाया और आपका इसी हिसाब से आपके साथ छुटछुटा करा कि उनका नाम भी ना आए और बात भी रह जाए। आपको धीरे धीरे उन्होंने बहुत समझाने की, आपको रिश्ते में क्लैरिटी नहीं देते थे, लेकिन धीरे धीरे आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि इस पर्सन ने ज़्यादा देर टिकना नहीं है, इसके हाव भाव अच्छे नहीं हैं, या ये कुछ अजीब किस्म का है, ये किसी के साथ लड़ नहीं सकता, अगर रिश्ते में ज़रूरत पड़े झगड़ नहीं सकता, किसी के साथ बात नहीं कर सकता, आगे कुछ काबिल नहीं बनता हुआ मतलब दिख रहा है इंसान। तो इसी चक्कर में आप तो प्यार में बंधते गए, लेकिन सामने वाला निकलने की सोचता गया, नए नए जैसे मर्जी भी शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे उन्होंने आपके सारे रास्ते खोल दिए, ओ सॉरी बंद कर दिए, इग्नोरेंस देनी, आपको ब्लॉक में डालना, किसी नए नए सोचा होगा किसी मैसेज, कभी फ़ोन उठा लिया, कभी कॉल छोड़ दी, कभी उठा लिया, कि धीरे धीरे आप ही समझ जाओ, जब ये बातें नहीं हुई तो उस बंदे ने आपके साथ इस व्यवहार तक आ गया, इस व्यवहार तक आ गया। और उसकी वजह क्या थी, 100% तो कुछ नहीं कहा जा सकता, 90% कह सकती हूँ कि उसकी ये बॉटम बता रहा है कि फैमिली की वजह थी, आपके पर्सन की जो वजह थी फैमिली थी, वो फैमिली से लिमिट से ज़्यादा जो कहते हैं ना लगाव होता है, जब किसी भी चीज़ से, जैसे आप हो, आप आज रीडिंग देख रहे हो, आपका लिमिट से ज़्यादा लगाव है, ऐसे ही उस पर्सन का भी लिमिट से ज़्यादा लगाव था, फैमिली के कंट्रोल में था, फैमिली को किसी तरह का हार्म नहीं कर सकता, आप भले दुखी हो जाओ। फैमिली का वफादार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब दिल लगाया प्यार किया तो सामने वाले को मौका भी तो दो, या थोड़ा टाइम का दो, थोड़ा स्पेस दो, लेकिन ये थोड़े कि इस स्थिति में लाके छोड़ दो। ऐसे कर करके वो आपकी ज़िंदगी से चले गए, जाइए कहो कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं, भोले भाले हैं, रोमांटिक है, या द फूल का कार्ड बताता है कि अच्छे हैं, प्यार करते हैं, देखिए किंग्स ऑफ कप्स का आता है, आपको बहुत प्यार करते हैं लेकिन सामने बताते नहीं, जताते नहीं हैं। लेकिन जो पर्सन लाइफ से चले गए हैं, पहले हम उनका पकड़ते हैं, जिसको आप भूल चुके हो, अब उनके मन में बॉटम में क्या आया, अपने आराम से लेटे हुए हैं, आपको मिस कर रहे हैं, मिस करने का मतलब भले ही उस टाइम अपना डिसीजन ले लिया हो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उनको अब मन कर रहा है और मिस कर रहे हैं। ब्रेकअप का कार्ड है ये, देखिए ये ब्रेकअप का कार्ड है, आपको उलझा के बांध के अपने प्यार में तरह तरह के बहाने बना के चल दिए और आपको मिस कर रहे हैं, और रिश्तों में एफर्ट लगाते हुए यानी कि मेंटेन करने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम वो चले गए आपको रोता हुआ छोड़ के, आप दूर हो गए, लेकिन आज भी आपको मिस कर रहे हैं। और देखिए इस पर्सन को गिल्टी भी है, इसमें 5 ऑफ सोर्ड्स का कोई कार्ड नहीं आया जिसमें कहूँ कि ये पर्सन चीटर है या इसकी फैमिली ऐसी है। ये पर्सन कैसा था, ये पर्सन अगर झुका है तो सिर्फ अपनी फैमिली के आगे, किसी और वजह से नहीं, ना यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, ना कोई 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। अब इसको पछतावा है और इसकी जो गाड़ी है, जो ब्रेक है, वो आप पे अटका हुआ है, समझ गए होंगे आप। हाँ, ये आपको ही पाना चाहता है, आपको ही मिस करता है, सामने की चीजें देख कर उसे एक्सेप्ट नहीं करता, वही पीछे में खोया हुआ है। देखिए सिर झुका के ये कार्ड बता रहा है कि अंदर से उनको पूरा पछतावा है, उस टाइम आप चले गए इनकी जिंदगी से, ये चले गए आपको रोता बिलखता हुआ छोड़कर। और गाइज मैं बता दूं, कुछ लोगों के पर्सन बड़े
रोमांटिक किस्म के भोले भाले रंग बिरंगे फैशनेबल इंसान है, वो आपके साथ बेहद प्यार करते हैं, आपको अपनी क्या समझती हैं रानी, उनको पता है कि आप उनके बगैर रह नहीं सकते, बहुत प्यार करते हैं, अपनी चीजें शादी तक ले जाना चाहते हैं, शादी तक ले जाना चाहते हैं। किंग्स ऑफ कप्स का जहां कार्ड में आ जाता है, वहां प्यार कोई दिखाए चाहे ना दिखाए, लेकिन प्यार भरपूर होता है, चाहे ब्रेकअप हो जाए चाहे कुछ, प्यार भरपूर होता है। एक दूसरे के साथ दूर बैठ के भी एक दूसरे को मिस करते हैं, वो जानते हैं कि आप उनको मिस भी करते हो। आप जैसा सुंदर और समझदार और एक लकी चाम हर की नसीब में नहीं है, अगर आपको खो देंगे तो लाइफ में बहुत कुछ खो देंगे। और इस बात का भी इंतजार है, जानते हैं कि आप उनके कॉल मैसेज किसी भी चीज़ का इंतजार कर रहे हो, कि आप उनका वेट कर रहे हो, लेकिन परेशान है, सामने आते हुए डरते हैं, मेंटेन कर रहे हैं अपने उन रिश्तों को, बनाने की सोच रहे हैं और धीरे धीरे करके मेंटेन करके आपकी तरफ बढ़ते हुए आते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं, प्यार करते हैं, चीज़ें आगे तक यानी कि मैरिज तक चीज़ें लेके जाना चाहते हैं, दिल ही दिल में बहुत पसंद करते हैं आपको, अपनी क्या समझते हैं रानी, ये फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब डा गया। तो ये इनकी सीक्रेट फीलिंग है। स्टार्टिंग में भले ही इन्होंने आपके जो पर्सन है भले ही आपसे दूर है, लेकिन इनका ध्यान जो है सिर्फ आप में है। भोले भाले हैं, क्रिएटिव इंसान है, सुंदर और स्मार्ट फैशनेबल इंसान है, लेकिन ये ऐसे इंसान है जो ज़्यादा एफर्ट लगाने इनके बस के नहीं होते, लेकिन आपके साथ मैरिज बनाना, आपके साथ लव करना, वो इनका अपना डिसीजन है। आपको इसी नज़र से देखते हैं, इनका दिल करता है कि आप इनकी लाइफ में परमानेंट आ जाओ गाजे बाजे के साथ। लेकिन जिन लोगों के पर्सनों ने दुखी किया है, परेशान करा है, बॉटम में आया है कि आपको बहुत मिस करते हैं और फैमिली वजह रही है उनकी, वो आगे रिश्ता मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी दीवारें जो उन्होंने खड़ी करी है खुद ही खुद ढाके आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपकी तरफ कदम उठाएंगे, क्योंकि उनको इस चीज़ का बहुत पछतावा है। अंदर से उनकी यही फीलिंग है कि वो आपकी तरफ दोबारा आ जाए। आप हो इतने प्यारे, और जो लोग किंग ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि बहुत प्यार करते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको अपनी रानी बनाना चाहते हैं और ब्याह तक के यानी कि गाजे बाजे के साथ अपने साथ रखना चाहते हैं। ये थी आज की आपकी रीडिंग, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। चलिए एक चीज़ हम निकालते हैं इस रीडिंग में बहुत जो जरूरी है, ये तो हो गया इसका कार्ड ट्रू इंटेंशन का। एक निकाल लूंगी मैं, जिन लोगों का ये स्थिति है और जिन लोगों की ये स्थिति है, दो कार्ड निकालूंगी, फिर ऊपर से बाद में एक कार्ड आपकी एडवाइस के लिए भी निकाल लूंगी, क्योंकि आप होपलेस होते हो तो बड़ी गलतियां करते हो रिश्तों में, जिससे रिश्ते फिर खराब होने शुरू हो जाते हैं। मैं मानती हूँ दिल दुखी है, आज कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके पर्सन दूर होंगे, जिन्होंने कॉल मैसेज भी नहीं करा होगा, उनका मन दुखी होगा। दोनों का एक एक कार्ड निकालूंगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए। जिनके पर्सन रिश्ते में मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, दिल दुखा के गए हैं, अब तुम्हारी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखिए गाइस, आपका कार्ड आया है टू ऑफ कप्स का। आपको पॉजिटिव रहना है, ख्वाब सजाने हैं, लेकिन दुखी नहीं होना, क्योंकि आपकी चीज़ें सच होंगी। लेकिन चीज़ें गाइस तभी सच होती है जो दिल की भावना सच्ची और अच्छी दोनों तरफ हो। अब अगर इस पर्सन को पछतावा हो रहा है तो आपको भी अपने दिल से मैल निकाल देना चाहिए और इनके लिए
अच्छा सोचना चाहिए, जो इनके साथ अच्छे लंबे डेट पे गए, खाना खाया, कैंडल लाइट डिनर करा, फ्रेंडशिप डे मनाया, वो सब याद करना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े, तभी ये चीज़ें आपके बस में होगी। चलिए एक निकालते हैं, जिनके पर्सन बहुत प्यार करते हैं उनके लिए देखते हैं कैसा कार्ड निकलता है आगे के लिए। गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपके पर्सन आपको प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन व्यस्त रहते हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते, उसके लिए वो उन चीज़ों में बंधे पड़े हैं, उनके पास टाइम नहीं है, फाइनेंस की तरफ भागने वाले इंसान हैं, और आपके लिए वो आपके मन में कई तरह के डाउट्स संदेह आते हैं, तो इसलिए आपको नेगेटिविटी में बिल्कुल नहीं सोचना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना, अच्छा अच्छा सोचना है। ये पर्सन जो होते हैं पैसे की तरफ भागने वाले होते हैं, और इनके पास बिजी का जो होता है ना कि बिजी हैं हम, ये ऐसे होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, प्यार करते हैं तो इन चीज़ों की भी ज़रूरत है, फाइनेंस भी चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए, तो आपको नेगेटिविटी इन चीज़ों को लेके जब कभी वक्त ना दें, जहाँ फाइनेंस की कोई दिक्कत हो, तो उसके लिए नेगेटिव लेके नहीं सोचना चाहिए। चलिए, अगर आपकी ज़िंदगी में ये जो सेपरेशन फेस में है आते हैं, तो आपको खुद भी खुद ध्यान रखना होगा कि नेग कोई भी पर्सन कैसा भी रिश्ता हो, जो रिश्ते को ख़राब भी करती है, जहाँ तो ज़्यादा अच्छाई खराब करती है, जहाँ नेगेटिविटी। अच्छाई इसलिए खराब करती है कि एक पर्सन हर पर्सन के लिए आप कहोगे कि हम अवेलेबल हैं, जब आपके पर्सन ने बुलाया आप चले गए, जब उसके दुख सुख में काम आए, फाइनेंस की हेल्प कर दी, तो वो क्या होता है, ग्रांटेड हो जाता है, उसकी कदर नहीं रहती। जैसे होता है ना, खाना तो रोज़ खाते हैं, पुलाव कभी कभी मिलता है तो अच्छा लगता है, ऐसा ही रिश्ता होता है। मैरिज के बाद अलग चीज़ें होती हैं, स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ हो, रिश्ता मैरिज का हो या मैरिज से पहले हो, बैलेंस चीज़ों में बहुत ज़रूरत है। लाइफ में आप एक चीज़ अपने साथ गांठ मान लिए कि कोई भी चीज़ हो, बचपन से लेके बड़े तक, बड़े से लेके जवानी तक, कोई भी रिश्ता हो, बहन भाई का हो, फ्रेंडशिप का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, लवर का हो, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जब किसी भी तरफ का बैलेंस ख़राब होता है, तो तकड़ी का पासा एक तरफ बारी हो जाता है। आप समझदार हो मेरे से भी ज़्यादा, क्योंकि रोज़ कई तरह की रीडिंग देखते हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और साथ में मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं अच्छे से टॉपिक के साथ आपके लिए पेश करने वाली हूँ, जिसकी घंटी बजेगी आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय माता दी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे आप लोगों को सबको।